ये देखिए, ये गोंदेश्वर प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा टंकी बन रहा है यहाँ पे 1912 का। इसको मेंबर क्या कहते हैं, मास्टर बैलेंस रिजर्व है, वो HMB है। अच्छा, ओवर हेड मास्टर बैलेंस। और इसमें क्या है कि आज हम लोग कंक्रीटिंग करने की तैयारी में है और अपना स्टील फेब्रिकेशन वगैरह चेक हो चुका है। अब आए हम लोग फाइनली इसका प्री पोर करने के लिए। तो अपने पास प्री पोर की चेकलिस्ट होते हैं, जैसे कि सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल उस पर आते हैं हम लोग फॉर्मवर्क। तो फॉर्म वर्क के जो एक दिन हम लोग किए थे पूरा, मतलब अपने जो सेटिस्फैक्ट्री जो भी पॉइंट्स थे वो मिले हमें। अब हम लोग आए रीइंफोर्समेंट। तो रीइंफोर्समेंट में ये रजत है, ये यहाँ के साइट इंजीनियर है और यहाँ पे सब कुछ स्टील वगैरह इनके ही सुपरविजन्स में हुआ है। तो ये अभी हम लोग जहाँ जहाँ चेक किए तो कहीं कहीं प्रॉब्लम थोड़ा बहुत नहीं मिला है, मिलने की कोशिश हुआ उसको भी अवॉइड किया गया है। लेकिन ये ध्यान देना पड़ेगा कि कहीं माइनर लैपिंग में कहीं प्रॉब्लम आ सकती है, उतना निकलने से कोई दिक्कत नहीं। लैपिंग हाँ, तो और जो रही बात अपने को एक्स्ट्रा रिपोर्टमेंट जिसमें इसलिए दिया गया है कि इसका जो क्या कहते हैं हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है या उससे प्रॉब्लम है उन सबको रिकवर करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आइए हम आपको चीज दिखाते हैं। इस कॉलम का अंडर डोर ये डबल बार डाला गया है इसके अंदर, ये इसका एक्स्ट्रा मतलब कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि जो सेंटर पॉइंट में क्या होता है किसी भी कॉलम का, ध्यान से लीजिए, किसी भी कॉलम में जो न्यूट्रल एक्सिस होता है वहाँ पे एकदम बिल्कुल मोमेंट जीरो रहता है। कभी कभी क्या होता है ना कि जब अपनी लोड जब सस्टेन होता है तो उस पर भी वहाँ से भी अपने प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं, इसलिए डबल वास डाल दिया जाता है कि उस पॉइंट को उस मोमेंट को रिक्वायर करते हैं। ठीक है, फिर IS जो इसका और एक्स्ट्रा टेक जो अपन एक्स्ट्रा प्रिकॉशनरी एक्शन लेते हैं वो आगे बढ़े हैं, वो है ये 16 mm के स्टील बार प्रोवाइड करते हैं। जो 16 mm का जो स्टील बार एक्स्ट्रा हमने रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया है वो है यहाँ केवल हाइड्रोस्टेटिक एनालिसिस के अकॉर्डिंग इसको हमको डालना पड़ता भी रहता है। हुप स्ट्रेस इसको क्या है, कॉर्नर साइड में पूरा हुप स्ट्रेस डेवलप होता है। ये जो अपना मेन डिस्ट्रीब्यूशन वर्टिकल बार जो होता है उसके अल्टरनेट पे 75 mm पर लगाना होता है, लेकिन अभी इन्होंने केवल इसको फिक्स किया है बस एज पर साइड कंडीशन। बट इसको क्या है ना, ये 75-75 mm इन दोनों में डिफरेंस होना चाहिए था, इन्होंने उस हिसाब से नहीं लिया, कर देंगे नेक्स्ट वाले जो भी इस पर सर्कुलेशन बार बारेंगे तब उस समय कर दिया जाएगा। ठीक है, क्या है कि सब कुछ ये साइड कंडीशन पे ही लेके चलना है, आगे बढ़ रहे हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग डाया बता दीजिए बॉटम स्लैब की, और ये बॉटम स्लैब का जो डाया रहा आपने 24 मीटर आउटर अगर वहाँ तक लिया जाए तो कितना हो जाएगा 26 मीटर, वहाँ तक ले जाएगा 26 मीटर हो जाएगा वॉकवे तक। ठीक ना, और एक एक्स्ट्रा चीज़ है मतलब कि कहा जा सकता है इसमें कि हम लोग जो स्टील इसमें डाले क्या नाम पड़ेगा कंबाइंड बीम एंड स्लैब का, ये एक प्रकार का इकोनॉमिकल सेक्शन बनाने के कि अपना जो सेक्शन हो इकोनॉमिकल हो और उसको स्ट्रेंथ भी गेन हो जाए। तो ये एक एक्स्ट्रा मतलब एडवेंचर्स कह लीजिए या कुछ एडलॉजी कह लीजिए जो कंबाइंड बीम एंड स्लैब सेक्शन लेकर हम लोग आगे बढ़े। तो ये एक बार नीचे दिखा दें कंबाइंड बीम एंड सेक्शन, मैं हाथ दे रहा हूँ उसको सुन रहे हैं, कंबाइंड टीम और स्लैब सेक्शन सी है। ठीक है, तो ये क्या है इसमें, ये है कि ये है इकोनॉमिकल सेक्शन बनाने के लिए, ये अब मैक्सिमम जगह पे यूज होना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तीसरी पॉइंट ये है कि सब सही लग रहा है, बाकी अब गलत बात।